बल्लेबाज राज कामली को सौंपी गई है। प्रारंभिक बल्लेबाजों में और पहली गेंद इस पहली पारी की छठा मुकाबला बड़े शॉट का प्रयास टप्पा खाकर नीचे रही बल्लेबाज के बल्ले से थोड़ी सी दूर विकेट कीपर के हाथों में चली गई डॉट। फिलहाल देखा जाए तो 3:22 हुई है इस पारी की। जब शुरुआत हुई 30 मिनट के अंदर आपको यह पारी पूरी करनी है। गेंदबाजी कर रही टीम थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई चिराग के द्वारा, कप्तान है और अच्छा बैकअप कवर दिया। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई, यहाँ खाता खुला टीम संयुक्त का। संयुक्त की अगर बात की जाए तो 3 मुकाबले खेले जहाँ 2 में जीत 1 हार, और जहाँ हारी थी वो भी जीतने वाली बाजी थी और जहाँ जीती है वो हारने वाली बाजी थी, तो यहाँ उलट फेर हुए है। इसी बीच डायमंड टाइगर अब तक का सफर 1 जीत उसके बाद 2 हार, क्या वो उलट फेर करेगी इस मुकाबले में। यहां सही तरह से बल्ले पर आए नहीं राज, जिस तरह से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट से रोका जा रहा है। दोनों बल्लेबाज जिन्होंने 1-1 के साथ अपनी टीम के स्कोर को 2 रन तक पहुंचाया है, दोनों का निजी स्कोर 1-1 पर है। पहला ओवर प्रगति पर चौथी गेंद लेकर गेंदबाज राज, बड़ा ओवर। ये देखिए नीलेश जब पिछले मुकाबले में छक्का लगाया तो ब्रिजेश सोच रहे थे कि यहां मैं भी लगा सकता हूं। जी हां, ये जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे पिछले 7 वर्षों की अगर बात की जाए तो बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते थे। और जिस तरह से यहां ब्रिजेश का बल्ला बोला है ये बिल्कुल सही समय है। इस टूर्नामेंट का आज का 2रा दिन है और जिस तरह से उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिल रहा है, गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है, विकेट कीपिंग का मौका मिल रहा है, यहाँ ज़्यादातर टप्पे के ऊपर इनकी नज़र है। और यहाँ जिस तरह से बल्ले पर आई और उन्होंने अपने शक्ति का परिचय दिया, 6 रन के साथ टीम का स्कोर को पहुँचाया 8। और ब्रिजेश जिस तरह से खेलते थे, अभी भी सवर की 2 गेंदें शेष है। पहली गेंद पर 1 रन चुराने का प्रयास हुआ था, डॉट बॉल हुई थी, फिर 2 सिंगल के बाद 6। पांचवी गेंद लेकर 8 रन रुका हुआ स्कोर। एक और, ये देखिए अब तो नई गेंद के साथ भी ये वहां यहां से बल्लेबाज का विश्वास जिस तरह से बढ़ेगा। देखिए अच्छी ओवर घट रही थी, पहली 3 गेंद में मात्र 2 रन आए थे, उसके बाद 2 छक्के के साथ टीम का स्कोर को पहुंचाया 14 रन और हैट्रिक सिक्सर के कगार पर ये तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। देखना होगा यहां से क्या छक्का जड़ेंगे ब्रिजेश। आज के दिन जिस तरह से दिव्येश और नीलेश उन्होंने जड़े हैं हवा में गेंद, ये देखिए फील्डिंग अच्छी की पर हाथों से रोककर पैरों से गवा दी 4 रन और यहां खेल समाप्त हुआ। पहली 3 गेंद गेंदबाज की रही, आखिरी 3 गेंद बल्लेबाज की हुई। यहां कुल मिलाकर पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 18 रन। तोस जरूर जीती थी डायमंड टाइगर पर यहां तोस जिस तरह से एक ओवर
रन अथवा बिना विकेट के नुकसान पर। और यहाँ दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज जिग्नेश। ये अपनी टीम के लिए खेल तो रहे थे, यहाँ पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे जिग्नेश। जिग्नेश का जहां तक सवाल है खटलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और यहां पर बल्ले का मुंह खोला, और इसी बीच दो रनों के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 20।
नुकसान पर। और इसी बीच अगले बल्लेबाज गति करीबन 14 के करीब की औसत के साथ आगे बढ़ रही है। ब्रिजेश अपने आप से नाखुश, फुलटॉस थी यहां, कदम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने पहले से तय किया था आगे बढ़कर खेलने का, सफल होकर खेलने का। इसी बीच 42 बीच इस ओवर की 2 गेंद पर 2 सिंगल और इसी बीच व्हाइट बॉल। हल्के हाथों से बिल्कुल रणनीति बनाई जा रही है कि जो दूर वाला छोर है वहां से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की जाए, और ये जो कमेंट्री बॉक्स एंड से ज्यादा रन जोड़े जाए। और यहां पर अच्छी फील्डिंग, इस ओवर से एक एक रन के साथ आगे जोड़ना चाहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46-47, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की। और इसी बीच इस ओवर से कुल मिलाकर आए 7 अतिरिक्त वाइड के साथ खेल समाप्त हुआ चौथी ओवर का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन जुड़े 48, पहली ओवर से 18, दूसरी ओवर से 5, तीसरी ओवर से 18 जहां पर 1 विकेट मिला था, और चौथी ओवर से आए 7 ओवर 48 रन, करीबन 12 रन प्रति रन रेट की औसत से आगे बढ़ता हुआ स्कोर टीम सायुक का। दोस्त हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए
बीच गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राज। यहाँ बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करनी पड़ेगी आवश्यकता है। 12 रन प्रति रन रेट की औसत से बने हैं पिछले 4 ओवर में 48। यह पारी का महत्वपूर्ण 5वां ओवर। ये कमाल का शॉट सिलेक्शन। डीवीएस ज्यादातर इस तरह के शॉट खेलते नहीं है, पर जब खेला तो पॉइंट और कवर के बीच से निकाली गेंद को 4 रन 50 का आंकड़ा पार, 52 रन 52। राज अगली गेंद लेकर अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आवश्यकता है। यहाँ अच्छी लाइन एंड लेंथ, थोड़ा सा एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। फिलहाल स्ट्राइक पर आए हैं ब्रिजेश, जो कुल मिलाकर खेल रहे हैं 14 गेंदों में 38 रन। अर्धशतक का मौका बन सकता है, पर यहाँ टप्पा खाने के बाद नीचे रही अपने आप से थोड़े से नाखुश कि यहाँ गेंद थोड़ी सी देरी के साथ आई, मैंने बल्ला पहले ही चला लिया था, थोड़ी सी धीमी गति को पढ़ नहीं पाए। अच्छी किताबें, अच्छे इंसान, अच्छी गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी। ये काउ कॉर्नर का क्षेत्र, एक गप्पा खाने के बाद जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 57। 57 रन ब्रिजेश का खुद का निजी स्कोर 42। 16 गेंदों में 42.8 रन दूर अपने अर्धशतक से टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर। जिस तरह से आर्यन 44, उसके बाद नीलेश ने भी अच्छी पारी खेली और यहां हवा में गेंद है। ये देखिए ये मौका, हम आज बात कर रहे थे कि आपको कैच क्यों लपकने चाहिए। जिस तरह से वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिता में मैक्सवेल को मौका मिला, उन्होंने रन चेस करते हुए 200 रन बनाए, सर्वाधिक स्कोर विजडन में इनको एक बेहतरीन पारी मानी गई। और यहाँ देखिए ब्रिजेश को मौका मिला, ये बल्लेबाज पहले से इनफॉर्म आ चुके हैं इस मुकाबले में। एक और हवा में गेंद, इस वक्त फील्डर से दूर, अच्छी गेंदबाजी की गई है। अगर देखा जाए तो इस ओवर में 2 चौके जरूर आए, 1 डॉट बॉल आई, 3 सिंगल आए। खेल इस ओवर का समाप्त हुआ, 11 रन आए, तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद बने 59। 5 ओवर 59 रन, विकेट 1 के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों का खेल, इस पहली पारी का आने वाला शेष। आज के दिन का अगला मुकाबला चैंपियन 11 वर्सेस ट्रीट कैपिटल्स, दोनों टीमें तैयार रहे। इस 6 गेंदों के बाद आप दोनों के बीच टॉस होगा। चैंपियंस 11 के कप्तान और ट्रीट कैपिटल्स के कप्तान अपने कदम को आगे बढ़ाए कमेंट्री बॉक्स की तरफ। और इसी बीच आखिरी 6 गेंदे लेकर आएंगे चिराग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कोरबोर्ड पर 59 रन जुड़े हैं। एकमात्र बल्लेबाज ब्रिजेश, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली है 17 गेंदों में 43 की, 7 रन दूर है। तो दूसरी छोर बल्लेबाजी कर रहे हैं दिव्यस, जिन्होंने 6 गेंदों में 9 बनाकर ये गेंद लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं दिव्यस की बात की जाए तो हवा को चीर कर ज्यादातर बल्लेबाज ये सेफ जोन से, जहां बल्लेबाजी को मदद मिल रही वहां से मारने का प्रयास करते, पर ये हवा के विपरीत। यहाँ अच्छी गेंद थी, गति में मिश्रण किया गया, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, हल्का सा झुक कर बड़े शॉट में टकदिल करना चाहते थे, पर नतीजा यहाँ डॉट बनी। खेल 4 गेंदों का बचा है, फिलहाल रुका हुआ स्कोर स्कोरबोर्ड के ऊपर 65-65।
ये देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट मौका बन सकता है। यहाँ ये काम किया, प्रतीक को मौका मिला और उन्होंने अच्छी फील्डिंग की अपनी टीम के लिए। ये रन आउट, ब्रिजेश तैयार थे दूसरे रन के लिए, यहाँ एक ही रन था। अगर शायद केवल आए और पहली गेंद पर चले गए। और इसी बीच यहां बीच 66 रन 66 अगले बल्लेबाज। यस, आखिरी दो गेंदे इस पारी की आने वाली शेष। ब्रिजेश 17 गेंदों में 43 बनाकर, देखिए यहां इस प्रतियोगिता का दूसरा सर्वाधिक स्कोर है 43। 44 रनों पर आउट हुए थे आर्यन। ब्रिजेश क्या सर्वाधिक स्कोर बना पाएंगे? 67 फिलहाल टीम संयुक्त का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए। आखिरी गेंद आने वाली शेष और यहां बड़े शॉट का प्रयास और 43 पर पारी हुई उनकी अंत। 67 हुए 68 का लक्ष्य। अब हो चुका है समय सिक्के को हवा में उछालने का। आज के दिन का आखिरी मुकाबला ड्रीम कैपिटल्स वर्सेस चैंपियंस 11।
खूबी जानते हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और इसी बीच यहाँ 1-60 चिराग ने अपना अकाउंट खोला, टीम का स्कोर को पहुंचाया 2, जीत के लिए 68। वैसे देखा जाए तो आज के दिन का सर्वाधिक स्कोर है 68 टू विन टारगेट। फुलटस बनाकर खेला, गेंद काफी ऊपर है, फील्डर बहुत दूर जाएगी, एक टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर, आवश्यकता थी इस तरह के शॉट की, और ये महत्वपूर्ण शॉट मिला है। फुल टॉस बनाकर खेला, केयूर ने 4 रनों के लिए चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 6। और यहाँ ये देखिए गैप तो ढूंढा पर गेंद सीधी स्टंप से टकराई, बाहर निकलकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, बल्ले से लगकर गेंद सीधी स्टंप से टकराई और इसी बीच आउट हुए। पहला झटका 6 रन के स्कोर पर लगने वाला टीम डायमंड टाइगर्स को। मुख्य भूमिका पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज रैनिस, जो कि खटलवाला वैरोसिटी के साथ खेलते हैं, उनके सीनियर प्लेयर महेश के खिलाफ रन बनाने पड़ेंगे। अब आवश्यकता है, 4 गेंदों में टीम का स्कोर है 6 विकेट 1 के नुकसान पर। इस वक्त यश वहां मौजूद 1 रन 1 के साथ। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, स्कोरबोर्ड पर 7 रन। जर मैदान लेगा प्रेस, अच्छी गेंद थी, देखिए विकेट कीपर और गेंदबाज के ओर से हल्की सी मुस्कुराहट की, अच्छी गेंद थी फिर भी विकेट नहीं मिली, क्योंकि बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ, पहली ओवर की समाप्ति के बाद बने 8, 1 ओवर 8 रन विकेट 1 के नुकसान पर। खेल बचा 5 ओवरों के, यानी कि 30 गेंदे, रन बनाने हैं 60, यानी कि 12 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ हो चुकी है। पहली ओवर में बनाए 8, जहां विकेट गवाया 1, टॉस जीतकर डायमंड टाइगर्स ने फैसला लिया था गेंदबाजी करने का, रन चयन करने की क्षमता दिखाई थी। यहाँ बताना पड़ेगा रन चेस किस तरह से होते हैं, जिस तरह से केवड़ी सुपर किंग्स ने आज चेस किए, यहाँ इस पूरी प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए, नेट रन रेट के ऊपर कुछ छोड़ने के लिए डायमंड टाइगर्स को ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। जिस तरह से संयोग ने पिछला मुकाबला जीता चैंपियंस 11 के खिलाफ बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही थी चैंपियंस 11 की, और तब आए गेंदबाजी करने के लिए नरेंद्र उर्फ मुनीम, जो एक बार फिर यहां गेंदबाजी करेंगे। इस प्रतियोगिता के मोस्ट विकेट टेकर पिछले मुकाबले में 4, कल लिए थे 5। इनका सामना लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के खिलाफ होगा। चिराग एक महत्वपूर्ण कड़ी, ये गेंद देखिए जिस तरह से टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। फील्डिंग में यहां पर सजावट की जा रही है, फिलहाल स्लिप की मांग विकेट
कप्तान के द्वारा। अगली गेंद लेकर इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर अंपायर रमन भाई आहिर का इशारा वाइट का, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता वास्को 9। चिराग जो खिलाड़ी अभ्यास के मैदान में पसीना बढ़ाते हैं उन्हें खेल के मैदान में सफलता मिलती है। देखना होगा चिराग वर्सेस नरेंद्र। धीमी गति की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, रन आउट का मौका बन सकता था, पर यहां बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन जुड़ाया, एक के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10 रन। और इसी बीच स्क्वायर लेग के बिल्कुल करीब से रन। अगली गेंद लेकर नरेंद्र, देखिए इतनी तेज ट्रैवल नहीं कर रही है, पहला रन तेजी के साथ, फील्डर वहां मौजूद, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। पावर प्ले की आखिरी गेंद लेकर अगली गेंद लेकर इस पावर प्ले की महत्वपूर्ण और यहां पर गेंद को जांचा परखा और फाइनल के क्षेत्र पर एक दफा मैदान के अंदर दूसरा बाहर चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद बने रन 20-20। अब बाकी बची 24 गेंदों का खेल आना शेष, 24 गेंदों में जीत के लिए टीम को आवश्यकता है 48 की, यानी कि 12 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। रैनिस बहुत ही महत्वपूर्ण लय में है, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके 2 सिंगल के साथ बनाए 10। दूसरी ओर चिराग जो 5 गेंदों में 4 बनाकर खेल रहे हैं, केवर आउट हुए थे एक चौका लगाने के बाद, तो यह 2 ओवर का खेल अब तक का रहा है, यह पारी का तीसरा और महत्वपूर्ण ओवर। इसी बीच जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। विकेट एक के नुकसान पर जीत के लिए जिस तरह से आवश्यकता है, बाकी बची 23 गेंदों में 47।
तो प्रति ओवर 12 रन चाहिए, एक बड़ा शॉट प्रति ओवर में आपको खेलना पड़ेगा, सिंगल डबल के साथ रन चाहिए। इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास, बल्लेबाज रन्स के लिए समस्या खड़ी करते हुए महेश ने अच्छी वापसी कराई, 21 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए जिस तरह से अभी भी 47 की आवश्यकता है, बाकी बची 22 गेंदों में यहां मौका था स्टंपिंग करने का, ब्रिजेश गेंद को लपक नहीं पाए और अंपायर परेश पटेल का इशारा। इसी बीच 22 का अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचाए 22। पारी का महत्वपूर्ण तीसरा ओवर इस ओवर के बाद होगा ड्रिंक्स ब्रेक। चिराग, एक लंबी पारी की आवश्यकता है टीम को, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यहां आवश्यकता है जीतने की डायमंड टाइगर्स को, और संयुग एक और जीत के साथ पॉइंट टेबल पर कब्जा करना चाहती है। और ये गेंद यहाँ टप्पा खाकर काटा बदली, धीमी हुई, नीचे रही और हल्की सी बाहर। बल्लेबाज चिराग खड़े खड़े सोचते रह गए कि ये थोड़ी सी बेहतरीन गेंद थी। जी हाँ, ये कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, दर्शनीय जिस तरह से शॉट खेला गया। पिछली गेंद जो हल्की सी करवट बदली थी, यहाँ दर मुझे भी लगा फासला देखकर बर में बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर जिस तरह से यह शॉट खेला गया। एक डॉट के बाद आए 6 और 6 के बाद 28, अभी भी 19 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता, 19 गेंदें 40 रन। और यहां अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी इस ओवर से आए जरूर 6, फिर एक बाई, फिर एक सिंगल, खेल यहां से 8 रन का रहा। खेल 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद बने पूरे 28 रन, अब बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, जहां बनाने हैं 40। पहली टीम में आपने बनाए 28 और पहली टीम के बाद 41 थे, जो शुरुआत हुई थी संयुग की वो अंत चाहिए डायमंड टाइगर को। आज के दिन की अगर बात की जाए, और इसी बीच पहली टीन ओवर जहां बनाए कुल मिलाकर 28 रन, फेटो, फेटो।
और यहाँ पर स्क्वायर लेग के बिल्कुल करीब से ये अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी यश के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी, काफ़ी तेज़ी के साथ बाउंड्री की तरफ ट्रैवल कर रही थी। यहाँ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। अभी भी जीत के लिए जिस तरह से रन चाहिए, 17 गेंदों में 39 रन, 17 गेंदें 39 रन। बल्लेबाज चिराग जिनके पास क्षमता है, कप्तान है टीम के, कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला चल रहा है, डायमंड टाइगर वर्सेस साई युग। ब्रिजेश वर्सेस चिराग, दोनों के बीच बेहतरीन बैटल, वो खेल ही क्या जिसमें जीत फिक्स हो। केवल उसी खेल का मजा है जिसमें हार का रिस्क हो। यहाँ हार का रिस्क है डायमंड टाइगर के लिए, पर ये देखिए मौका है। ये उत्साह ज्यादा विश्वास कम, सीधी गेंद जड़ में डालने का प्रयास था। और इसी बीच बनी डॉट, चिराग लय में आना बहुत जरूरी टीम के लिए। ये कमाल का शॉट पॉइंट के ऊपर से, काफी तेजी के साथ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 33। चिराग एक अच्छे लय में आते हुए, ऑफसाइड के क्षेत्र की गेंद थी, उसको ऑफसाइड की तरफ खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। बखूबी एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपील की जा रही है। एक शून्य, 4-0, 5 रन 4 गेंदों में 33 रन रुका हुआ स्कोर। 18 गेंदों में 40 की मांग थी, इस ओवर की 4 गेंदों में आए हैं 5 रन, तो 35 रनों की और आवश्यकता है। और ये गति थी, गति से बीट किया गया। ब्रिजेश लय में आते आज इस मुकाबले में पहले तो अच्छी पारी खेली 17 गेंदों में 43 की, उसके बाद गेंदबाजी करते हुए यहाँ 5 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं। आखिरी गेंद और कमाल की ओवर रही, इस ओवर से आए कुल मिलाकर 5 खेल इस चौथे ओवर का पूरा हुआ और 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 33, 33। 4 ओवर 33 रन, विकेट 1 के नुकसान पर। जीत के लिए बाकी बचा खेल 12 गेंदों में 35 की आवश्यकता है, 12 गेंदें 35 रन। और इसी बीच 12 गेंदे उल्टी गिनती अब शुरू करते हैं, 12 गेंदों में चाहिए 35, 35 रैनिस जो खेल रहे हैं 7 गेंदों में 11 बनाकर। ये बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सफल होकर खेलना चाहते थे
और जिस तरह से आउट हुए हैं, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज इस प्रतियोगिता के नरेंद्र उर्फ मुनीम। रिंकल टिंकल, ये ताकत का परिचय। टिंकल पिछली बार भी आए थे, तब 6 के साथ शुरुआत हुई थी, आज वापस। देखिए इस तरह के बल्लेबाज को छुपा के रखा था। देखिए यहाँ ये छक्का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है बल्लेबाज का, क्योंकि जिस समय में आवश्यकता थी उस समय में मिली है। ये 6 के साथ 39, अभी भी खेल बचा है 10 गेंदों का। 10 गेंदों में जीत के लिए 29 रन, 10 गेंदे 29 रन। ये गेंद जिस तरह से सफल होकर खेलना चाहते थे, ये काफी बाहर तो गई थी, पर जिस तरह से बल्लेबाज भी काफी सफल हुए थे। नरेंद्र पलटवार करते हुए इस डॉट बॉल के साथ, यहां जाएगी, जी हाँ, हवा में हवा यात्रा करते हुए 6 रन, और 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 45। खेल बचा 8 गेंदों का, और 8 गेंदों में 23 रन, 8 गेंदे 23 रन। ख्वाहिश मेरी अधूरी ही सही, पर कोशिश में पूरी करता हूं, यही कहते हुए टिंकल 3 गेंदों में 12 बनाकर नरेंद्र के खिलाफ। ये बल्लेबाज को फॉलो किया, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बड़े शॉट का प्रयास करना चाहते थे, 22 के रूप में रन मिला, रन एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। जीत के लिए जिस तरह से 68 चाहिए, 7 गेंदों का खेल, से 7 गेंदों में 22 रन, 7 गेंदे 22 रन। ये महत्वपूर्ण गेंद इस ओवर की, चिराग देखना होगा, दोनों बल्लेबाजों ने गुप्त घुकी है, सलाह मसूरा किया है। ये आने वाली 7 गेंदे जहां पर बनाने हैं 22 रन 22, एक बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए बिना जोखिम के कुछ नहीं मिलता, और जोखिम वही उठाते हैं जो साहसी होते हैं। यहां साहस करना पड़ेगा, क्योंकि समय मांग कर रहे हैं बड़े शॉट का। 7 गेंद 22 रन, और यहां गेंद देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी की गई है, डॉट बॉल 6 गेंद 22 रन। नरेंद्र इस ओवर में 2 छक्के जरूर आए, पर विकेट भी लिए हैं, डॉट बॉल भी निकाली है, 6 गेंद 22 रन। और इसी बीच टिंकल और चिराग सलाम मसूरा करते हुए, ये आखिरी 6 गेंदे जहां बनाने हैं कुल मिलाकर 22 रन। उसलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहां देखना होगा चिराग और उनके साथ टिंकल जिन्होंने खेली कुल मिलाकर 4 गेंदे बनाए रन 12। सो दूसरी छोर से थोड़ी सी सुरक्षित पारी खेलने का प्रयास, पर अब आवश्यकता है रनों की, 6 गेंदे 22 रन। ट्रिंकल टिंकल, और यहां पर पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास,
ये दोनों बल्लेबाज, एक रन एक रन आउट। चिराग के ऊपर आशा थी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे कि यहां से स्ट्राइक लेंगे, बड़े शॉट लगाएंगे, पर यहां एक रन एक रन आउट के साथ खेल 5 गेंदों का बचा है, 5 गेंदों में जीत के लिए 21। और चिराग के स्थान पर अगले बल्लेबाज नैतिक, टिंकल जिस तरह से देरी के साथ आए, कहीं ना कहीं उनको जल्दी आना बहुत जरूरी। नहीं ठीक फिलहाल आए हैं, देखिए कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। 5 गेंदे और इसी बीच यहां केवल को मिली एक और सफलता। और इसी बीच यहां से खेल अब दूर होता हुआ, ये कमाल का शॉट, 6 रन। देखिए इस तरह की आक्रामकता की आवश्यकता थी डायमंड टाइगर्स को। 3 गेंदे 15 रन। प्रफुल आते संगी 6 के साथ अपना खाता खोला। अगर आप बुरी स्थिति में है, अपने आप को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी जीत तभी होती है सकारात्मक शॉट के साथ। एक बार फिर रिवर्सिव खेलना चाहते थे, चौवन रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर खेल बचा 2 गेंदों का, 2 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 14 रन। ये महत्वपूर्ण मुकाबला डायमंड टाइगर वर्सेस सांयुग, और इसी बीच सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, और यहां 1 के साथ 55 रन, 55-66 का पीछा करते हुए आखिरी गेंद आने वाली शेष। आखिरी गेंद पर 13 रनों की मांग है, 9 बॉल फ्री हिट की अभी भी आशा जीवंत। क्या गलती होगी? और इस बार ये देखिए छक्का ना सही, चौका आया, महत्वपूर्ण रन बनाए प्रफुल्ल, थोड़ी सी देरी के साथ आए पर इनके बल्ले से आए रन, 3 गेंदों में बनाए उन्होंने कुल मिलाकर 11, और यहां इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच, और जिन्होंने बहुत ही कमाल की पारी खेली गेंदबाजी में, बेहतरीन गेंदबाजी की, प्लीज कम ऑन स्टेज ब्रिजेश पटेल, मैन ऑफ द मैच। आज जिस तरह से उन्होंने पारी खेली वो आप कह सकेंगे कि जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने, जिसके लिए जाने जाते हैं वैसी ही बल्लेबाजी आज की उन्होंने। और यहां संयुग आज 2 मुकाबले खेले, दोनों में जीत।